हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कहाँ आया हूँ, ट्रेलर देख के, हिंट देख के तो पता चल गया होगा, तो आप लोग समझदार हो। तो आज मैं कहाँ आया हूँ, तो मिस्टर इडली, तो भाई पूर्णिया में मिस्टर इडली खुल गया है। 27 अप्रैल को ये ओपनिंग रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं ओपनिंग के दिन आ नहीं पाया, क्या करूँ। तो ज़्यादा देरी ना करके इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तो करना ही अवश्य। जो नए व्यूअर्स है उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, और जो पुराने व्यूअर्स है वो तो मेरे सब्सक्राइबर हो ही, आप ही लोग तो इतना दिन से मेरा भरोसा हो। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करके शुरुआत करते हैं, कर देते हैं ना। घी रोस्ट डोसा कुछ डिफरेंट ही अच्छा लगा। उसके साथ जो सांभर चटनी और नारियल का चटनी मिलता है, कैसा लगा? कुछ टेस्टी है। और ये जो शेक जो पी रहे हैं, ये तो ब्रिवरेज है अलग से, ये भी काफ़ी बहुत अच्छे है। पहली बार खा रहे हैं? पूर्णिया में मिस्टर इडली पहली बार। हाँ, पहली बार। हाँ, लेकिन और जगह तो नहीं खाए होंगे? नहीं, और जगह तो नहीं, पूर्णिया छोड़ के नहीं खाए। पूर्णिया छोड़ के तो बाहर तो खाए हैं। लेकिन यहाँ टेस्ट, यहाँ का खाना में क्या अंतर है? टेस्ट तो ये वैसा ही है, बट पूरा पूर्णिया के लिए नया है कुछ। मैं आपको यहाँ का एड्रेस बोल देता हूँ, एड्रेस है कहाँ, ये रहा लखन चौक। आप लोग इधर लखन चौक देख पा रहे होंगे, लखन चौक से जो रजनी चौक वाला रास्ता आता है ठीक दरेगो में, बहुत पुराना यहाँ पे नाका था, वो तो अभी बंद हो चुका है, लेकिन उसी के बगल में ये है मिस्टर इडली। ठीक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गोरेलाल का दुकान है वहाँ पर, उसके ठीक अपोजिट में यह है क्या, मिस्टर इडली। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आसिफ है। मिस्टर इडली ये 27 तारीख को ओपन हुआ? जी हाँ, 27 अप्रैल को ये ओपन हुआ है। और इसका टाइमिंग और थोड़ा समय बता दीजिए। इसके खुलने का टाइमिंग 9 AM टू नाइट 9 PM तक है फिलहाल, बिकॉज अभी ये नया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाह रहे हैं कि वो अप्रोच हो, यहाँ पे आए और आके हमारे फूड को टेस्ट करें, क्योंकि कंप्लीट वेजिटेरियन है, और इसलिए हमने टाइमिंग अभी 12 आवर्स रखा है, बट आगे देखेंगे जैसा रिस्पांस रहेगा। ऑल डे अवेलेबल? हाँ जी, ऑल डे, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये होम डिलीवरी भी अवेलेबल है? बिल्कुल, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, टेक अवे भी ले जा सकते हैं, जोमेटो एंड स्विगी के साथ विद इन अ वीक अटैच हो जाएगा।
थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अगर ये लखन चौक के आसपास का इलाका है तो हम लोग खुद ही डिलीवर कर देते हैं। भैया ये क्या पूरा साउथ इंडियन पूरा? जी हाँ, ये कम्प्लीटली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन फूड है। हम एक भी चीज़ जो मेन आइटम है यहाँ पे वो यहाँ से नहीं खरीदते, वो सारा इंग्रेडिएंट हमारे जो मेन मैसूर जो ऑफिस है हमारा वहाँ से बन के आता और हम वही बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पानी इस्तेमाल करते हैं या डेयरी इस्तेमाल करते हैं, दूध और ज़्यादा से ज़्यादा शुगर और सॉल्ट, उसके अलावा हम कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इतना भी इंग्रेडिएंट सारी चीज़ जो भी टेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी खाना आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। भैया स्पेशल तो कुछ होगा डिश? बिल्कुल, हमने इंट्रोड्यूस किया है एक बाहुबली डोसा के नाम से। एक्चुअली वो दो डोसा मिला के एक डोसा बनाते हैं और हमने उसका नाम बाहुबली डोसा इसलिए रखा है कि वो बाहुबली की तरह स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, और हमने उसमें थोड़ा सा साउथ इंडियन चाइनीज फ्यूजन बनाया है। जी नहीं, उसमें नहीं, वो एक अलग डिश है। कुछ डिशेज ऐसे हैं जो कि साउथ इंडियन चाइनीज़ का फ्यूजन है, जैसे कि इडली है और चिली है, तो चिली इडली बनाया हमने। तो इस तरह से दो चार डिशेज हैं और मैं सारे नाम अभी नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर्स यहाँ आएँ और ख़ुद उसको टेस्ट करें और खा के देखें। थैंक यू भैया, आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो शेफ है जी, जो हेड शेफ है, वो कहाँ से आया है? हमारे पास तीन जगह अलग अलग जगह से शेफ है। एक तो हमारा लोकल अररिया के हैं जो कि हेड शेफ हैं, उन्होंने ट्रेनिंग वहाँ से कर्नाटका से ली है, पर एक हमारा प्रॉपर साउथ इंडियन शेफ है जो कि हाँ, जो मेन जो साउथ इंडियन डिशेज हैं वो वही बनाते हैं साउथ इंडियन, वो मैसूर के ही हैं, और एक कानपुर का। कानपुर सब कोई वहीं से? जी, सारे 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 कुक वहीं से ट्रेंड होके आए हमारे पास। तो मैंने आपका यहाँ पे मेनू देखा, जी जी, सबसे मस्त लगा देख के, इतना सस्ता कि बाहुबली डोसा बहुत चीप रहता है। भैया एक्चुअली खास करके हमारे हम लोग जो हमारी टीम है जो इस स्टेडली की, हम ये चाहते थे कि हर तरह के कस्टमर यहाँ अप्रोच कर सकें। और इंटीरियर देख के कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं शायद चीज़ें महंगी होंगी, ऐसा हम चाह रहे थे कि सारे तरह के कस्टमर यहाँ पे आएँ और जो जो रियलिटी है यहाँ की, जो डिशेज़ हैं, वो आके टेस्ट करें, तो इसलिए हमने रेट्स को नॉमिनल ही रखा है। थैंक यू भैया। आज हम लोग को आप क्या खिलाएंगे अगर स्पेशल? आप जो बोलो, अगर स्पेशल की बात करें तो हमारे कुक बहुत अच्छा घी रोस्ट मसाला डोसा बनाते हैं, जो मैं अक्सर अपने सारे जितने भी लोग आते हैं जो कस्टमर्स मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे स्पेशल क्या है। फिलहाल मैं बाहुबली भी बोल सकता था, बट बाहुबली एक्चुअली तीन लोगों के लिए है। तो अगर दो लोग, अगर आप लोग दो हो तो आप, मैं चाहूँगा कि आप घी रोस्ट मसाला डोसा ट्राई करें, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है और बहुत ही ऑथेंटिक है। लेकिन मैं भैया बोलूँगा तब बाहुबली बना दीजिए। बिल्कुल, आप कस्टमर हो, आप भगवान हो, आपके लिए मैं बाहुबली डोसा ज़रूर तैयार करूँगा। हम लोग का ये प्लेट आप लोग देख रहे, इतना लंबा डोसा, इसको क्या नाम है? बाहुबली डोसा। तो इसको अभी हम टेस्ट करेंगे पुणे में पहली बार, तो चलिए इसको हम ज़्यादा देरी नहीं करके शुरुआत करते, ऐसे ही ठंडा हो चुका है, कर देते शुरुआत। साइज देखो भाई, आर पार कोई चल लेगा बच्चा, तो कम छिलो इसको। मैं बाहुबली डोसा का फर्स्ट बाइट, अब बाहुबली डोसा टूट गया बेचारा, बाहुबली डोसा टूट गया और ये पेट में जा रहा है। थोड़ा खा लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। समझदार हो आप लोग। आप लोग ने अभी जस्ट देखा कि हम लोग ने खाना शुरू किया और देखो प्लेट का क्या हाल है। तो बहुत कोई बोलता है कि बाहुबली डोसा जो है तीन आदमी के लिए है, लेकिन मैं बोलूँगा जो बुक्कर है दो आदमी के लिए काफ़ी है। क्या बोलते हो? तुम भी खाया मेरे साथ, कैसा लगा? बहुत टेस्टी था, पूर्णिया में कैसा खुलना चाहिए था।
और सांभर जो खाए सांभर भी अच्छा था, बहुत सही था, बहुत टेस्टी था सांभर। क्रिस्पीनेस और बहुत अच्छा था, क्रिस्पीनेस भी था अच्छा था, मसाला भी उसका बहुत अच्छा था। तो हाँ, तो आज का इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जो न्यू व्यूअर्स हो वो लोग कृपया देख के मत चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अच्छा ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर। टाटा 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 टाटा।